गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम लेसन 7 इंडिया द लैंड ऑफ मानसून क्लाइमेट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आर टूडेज टॉपिक नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति. यानी नेचुरल वेजिटेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा, अगर हम इसको डीपली ब्रॉडली इसका मीनिंग समझते हैं तो नेचुरल वेजिटेशन होता है जो हमें जो टाइप्स ऑफ ट्रीज या प्लांट्स जो हैं वो नेचर ने हमें प्रोवाइड करवाए हैं. ठीक है, यानी प्राकृतिक तरीके से जो उगते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशंस. ठीक है बेटा, द नेचुरल वेजिटेशन इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द वेरिएशंस इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस इन इंडिया. जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं यानी कि प्राकृतिक रूप से जो पेड़ पौधे हैं वो डायरेक्टली प्रत्यक्ष तौर पर किससे अफेक्ट होते हैं, वो अफेक्ट होते हैं बेटा क्लाइमेटिक कंडीशन से. यानी कि जिस प्रकार जहाँ का जैसा वातावरण होता है, जैसा वहाँ पर हवाएं चलती हैं, जितनी जहाँ बारिश होती है, जितनी जहाँ धूप होती है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ के पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें वैरायटी पाई जाती है. ओके, नेक्स्ट वी देयरफॉर हैव वेरियस टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. अब इंडिया को जो क्लाइमेट है, इंडिया को तो पहले ही हम लैंड ऑफ क्लाइमेटिक मानसून क्लाइमेट बोला जाता है. यानी तरह तरह का क्लाइमेट यहाँ पर होता है, अलग अलग सीजन्स अलग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स होते हैं, तो क्लाइमेट के कंडीशन जो हैं वो अलग अलग होती हैं. तो इसीलिए यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन है वो भी अलग अलग तरह की होती है. ओके, द टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंज विद द चेंज इन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर और रेनफॉल चेंज होता है वैसे ही वहाँ की वेजिटेशन भी चेंज हो जाती हैं. ठीक है, रिलीफ फीचर्स एंड द टाइप ऑफ सोइल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स. रिलीफ फीचर्स यानी कि जो वहाँ की भौतिक विशेषताएँ होती हैं, वहाँ की मिट्टी कैसी है, मिट्टी का प्रकार कैसा है, इन सब चीज़ें जो हैं वो पौधों की ग्रोथ पर और उनकी वैरायटी पर फ़र्क डालती है, असर डालती है. द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया मे बी डिवाइडेड इंटू 5 ग्रुप्स. और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्लाइमेटिक कंडीशंस को, टाइप्स ऑफ सॉइल को, रिलीफ फीचर्स को, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो नेचुरल वेजिटेशंस हैं उनको बेटा हमने फर्दर 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है. ठीक है, सबसे पहला जो ग्रुप है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. दीज आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इनको हम रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, यानी कि बारिश से जो पौधे बारिश में बहुत ज़्यादा पनपते हैं, या रेन फॉरेस्ट इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रेन का जो वेदर होता है इनके लिए सुटेबल होता है. ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस रेन वाली इनके लिए स्टेबल होती है. दे ग्रो इन द रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल. ये उस एरिया में ग्रो होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, अबव 200 सेंटीमीटर पर एनम. यानी सालाना तौर पर अगर हम उस बारिश को मेज़र करें तो यहाँ पर बारिश इन पौधों के लिए वो एरिया ज़्यादा सुटेबल होता है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होती है. जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड, द वेस्टर्न घाट्स एंड वेट नॉर्थ ईस्टर्न हिली पार्ट्स आर द मेजर एरिया वेयर दीज फॉरेस्ट आर फाउंड. चलिए अब मैं आपको यहाँ पर एक बार मैप में दिखाती हूँ कि कौन से एरियाज में ये जो है सुटेबल होते हैं, रेन फॉरेस्ट होते हैं. ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं. देखो बेटा, वेस्टर्न घाट, ये जो एरिया है तट के किनारे, ये जो है ना समुद्र है आपका, अरेबियन सी है, सागर है, तो इसके जो किनारा है इसको हम कोस्टल लाइन भी बोलते हैं, कोस्टल एरिया. ये जो है वेस्टर्न घाट, इस एरिया में, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है. जो ब्लू कलर आपको डार्क ब्लू नज़र आ रहा है ना ये, ठीक है, ये एरिया जो है हैवी रेनफॉल एरिया है. क्लियर बेटा. उसके बाद आपका इन्होंने बताया हमें कि अंडमान निकोबार आइलैंड, यस बेटा, इस एरिया में भी बारिश बहुत होती है इसलिए यहाँ पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं. तीसरा हमारे पास है यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न हिली एरियाज, यस, जो ब्लू एरियाज हैं वहाँ पर हैवी रेन होती है. ओके बेटा, चलिए अब नेक्स्ट हम करते हैं. दीज फॉरेस्ट आर डेंस, यानी ये फॉरेस्ट जो होते हैं वो घने होते हैं, एंड रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, और पूरा साल हरे भरे रहते हैं. ठीक है, द ट्रीज आर टॉल विद हार्ड वुड, और इनकी जो वुड होती है वो बहुत हार्ड होती है, पक्की होती है लकड़ी इनकी, और मोटी होती है, और पेड़ बहुत लंबे होते हैं. इनमें कौन कौन से ट्रीज आते हैं बेटा, महोगनी, रोजवुड, इबोनी, बैम्बू, ये इसके ट्रीज की स्पीशीज़ हैं. यहाँ इस तरह के ट्रीज की स्पीशीज़ यानी प्रजातियाँ पाई जाती हैं. नेक्स्ट बेटा आता है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट आर द टिपिकल मॉनसून फॉरेस्ट. इनको हम बोलते हैं मॉनसून फॉरेस्ट. ये दे ग्रो इन द एरियाज वेयर अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर. यानी यहाँ जो बारिश है 200 सेंटीमीटर से कम और 100 सेंटीमीटर से अबव होती है, इसलिए इनको मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं. दे कवर मेजर पार्ट ऑफ इंडिया, और ये भारत में ज़्यादातर यही वाले ट्रीज पाए जाते हैं. ठीक है, सम ऑफ द एरियाज आर द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू
कवरिंग झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड द ईस्टर्न महाराष्ट्र। अब आप देखिए यहाँ पर कौन से जो है मीडियम रेनफॉल का एरिया जो है ग्रीन एरिया, ये देखिए इसके साथ साथ यहाँ पर ग्रीन एरिया है बेटा, ये वाला एरिया देखिए, ये सारा एरिया, इन एरियाज में ये देखिए ज़्यादातर पोर्शन है। यहाँ देखिए असम का एरिया, ये सारा एरिया, ये देखिए इधर, ये सारा एरिया जो है जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है जो आप देख रहे हो, ये मीडियम रेनफॉल है यानी 100 टू 200 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये स्पीसीज इन एरिया में पाई जाती हैं, क्लियर। और ये दे कवर अ मेजर पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का ज़्यादातर हिस्सा आप देख सकते हो, ग्रीन पार्ट जो है वो ज़्यादा एरिया में है, तो ये ज़्यादातर हिस्सा इंडिया का कवर करती हैं। ओके, नेक्स्ट, सम ऑफ द एरियाज नॉर्थ पार्ट पेनिनसुलर प्लेटो, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये आपको मैंने दिखा दिया, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये सारे एरियाज ये कवर करता है, और महाराष्ट्र। द अदर एरियाज इंक्लूड ईस्टर्न स्लॉप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन कर्नाटका, आई हैड ऑलरेडी शोन यू दिस वन, ठीक है। इसमें हो चुका है आपका एरिया कर्नाटका, तमिलनाडु एंड द नदन प्लेन्स एरिया, नदन प्लेन्स एरिया, ये वाला एरिया, क्लियर बेटा। ये सारा एरिया जो ग्रीन कवर्ड है मीडियम रेनफॉल को शो करता है यानी 100 टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल को शो कर रहा है, और ये एरिया जो है यहाँ पर ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, अब इसमें कौन कौन से ट्रीज होते हैं, द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स। अब जब सूखे का मंथ आता है यानी कि मॉनसून फॉरेस्ट हैं देखो, तो बारिश के दिनों में ही पनपेंगे ये पौधे, ग्रो करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ड्राई सीजन आता है, जब बारिश नहीं होती है, सूखे का महीना आता है, उस टाइम में ये पौधे जो हैं वो सूख जाते हैं, ठीक है, अपने पत्ते गिरा देते हैं। इनमें इनके जो स्पीशीज़ हैं, प्रजातियां हैं, कौन कौन से पेड़ इसमें पाए जाते हैं, सॉल, टीक, शीशम, पीपल, सैंडलवुड, जामुन, ये इनकी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं। सम ऑफ द स्पीशीज़ आर इकोनॉमिकली वैल्यूएबल एंड वेरी यूजफुल, और इसमें से कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो बहुत कीमती होती हैं और बहुत वैल्यूएबल होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा आता है थॉर्नी फॉरेस्ट, दे ग्रो इन द एरियाज वेयर रेनफॉल इज स्कैंटी एंड लेस देन 50 सेंटीमीटर। ये उस एरिया में ग्रो होते हैं बेटा जहाँ बारिश बहुत कम होती है, टेम्परेचर हाई रहता है उस एरियाज में। द ट्रीज आर ऑफ स्मॉल साइज, अब बारिश नहीं है तो पौधों को ग्रो करने के लिए प्रॉपर जो उनके मिनरल्स चाहिए होते हैं पौधों को, जो चीज़ें उनको ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं वो नहीं मिल पाती हैं, तो इससे इनकी हाइट जो है वो कम रह जाती है, ठीक है। और ये लार्ज एरिया में फैले होते हैं, इन दिस पार्ट्स थॉर्नी बशीज एंड कैक्टस प्लांट्स। इनमें मेन फेमस एरिया बेटा कौन सा आता है, जो हमारा राजस्थान का एरिया है ना, वो इसके अंदर हम शामिल करते हैं, ठीक है, क्योंकि कैक्टस, बशीज, कांटेदार झाड़ियाँ, थॉर्नी बशीज, कैक्टस यहाँ पर बहुत अच्छे से, क्योंकि इनके लिए कम पानी चाहिए होता है इसलिए यहाँ ग्रो कर देते कर जाते हैं। द ट्रीज लाइक किक्कर, बबूल, कैर एंड डेट पाम आर फाउंड इन एरियाज वेयर रेनफॉल रेंजेस, जहाँ पर रेनफॉल जो है वो बहुत कम होती है, 40 टू 50 सेंटीमीटर। दीज फॉरेस्ट फाउंड इन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ गुजरात, दे आर ऑल्सो फाउंड इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रीजन, और ये कुछ एरियाज में डेक्कन प्लेट्यू रीजन में भी पाए जाते हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आता है हमारे पास टिडल वेजिटेशन और मैंग्रोव्स, जिसको हम बोलते हैं मैंग्रोव वेजिटेशन, ग्रो वेल इन लो लाइंग डेल्टा रीजन। ये डेल्टा रीजन में पाए जाते हैं बेटा, यानी डेल्टा आपको पता है ना, नदियों के मुहाने पर, यानी नदियों का जिसको हम बोलते हैं ना मुंह होता है, वहाँ पर ये जो ट्रीज़ हैं उस तरह के ट्रीज़ पाए जाते हैं, क्योंकि इनके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन वो वाली बेटर होती हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया और ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़, जो ईस्टर्न कोस्टल एरियाज हैं, ये जो तटिया किनारा है यहाँ पर ये पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा दलदली एरिया में, ठीक है, दलदली एरिया में ये पौधे पाए जाते हैं। द टिडल वेजिटेशन ग्रो इन स्वैम्प्स एंड मार्शेज ऑफ सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर, जो टिडल वेजिटेशन है वो कहाँ ग्रो करती है, स्वैम्पी एरिया में, यानी जो जहाँ पे कीचड़, गारा, दलदल एरिया होता है, सॉल्टी एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पर ये जो है वो ग्रो करती हैं इस तरह की वेजिटेशन। मैंग्रोव इज अ टिपिकल वेजिटेशन, एक टिपिकल यानी बहुत कम पाई जाने वाली वनस्पति है, और इसमें मैंग्रोव ट्रीज में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ट्री जो है वो सुंदरी ट्री होता है, एक पेड़ का नाम है सुंदरी, ठीक है, दैट इज़ वाई टिडल फॉरेस्ट ऑफ गंगा डेल्टा हैव बीन नेम्ड एज सुंदरवन। और सुंदरी ट्री बहुत ज़्यादा होते हैं इन जो इस एरिया में उगते हैं, ग्रो करते हैं, और इसीलिए टिडल फॉरेस्ट को हम सुंदरवन भी बोलते हैं इन्हीं ट्रीज़ के कारण। ओके, फिर आता है बेटा माउंटेन वेजिटेशन, यानी पहाड़ों पर पाई जाने वाली वनस्पति। इन द हिमालयन माउंटेन, हिमालयन की जो माउंटेन्स है, द वेजिटेशन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड। वेजिटेशन जो है बेटा वो एल्टीट्यूड, जो ढलान है, जो ढलाव है, चढ़ाई है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ग्रो करती है। इट इज़ बिकॉज द टेम्परेचर एंड रेनफॉल डिक्रीज विद हाइट, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, रेनफॉल और टेम्परेचर जो है वो दोनों डाउन हो जाते हैं, यानी कम हो जाते हैं।
देर आर डिफरेंट बेल्ट्स ऑफ वेजिटेशन, यहाँ अलग अलग बेल्ट्स होती हैं वेजिटेशन की। वेजिटेशन बेल्ट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जब एक ही लाइन में एक ही एरिया में एक ही तरह के पौधे होते हैं तो हम उनको बोलते हैं वेजिटेशन बेल्ट, ठीक है। एट द फुट हिल्स अप टू द हाइट ऑफ 1000 मीटर मानसून फॉरेस्ट आर फाउंड। अगर हम पहाड़ियों की तरफ देखें तो 1000 मीटर की ऊंचाई तक ऊंचाई पर मानसून फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनमें साल, टीक, शीशम मेन स्पीशीज होती हैं। एज वी क्लाइंब हायर और इससे भी अगर हम ऊपर जाते हैं द मानसून फॉरेस्ट आर रिप्लेस्ड बाय ट्रीज, तो मानसून फॉरेस्ट ट्रीज जो होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। हैविंग ब्रॉड लीव्स, तो वो उनकी जगह जो होते हैं कौन से पौधे ले लेते हैं जिनके पत्ते चौड़े होते हैं, जैसे ऑक ट्री, कैश्यूनट, पाइन ट्री एट्सेट्रा। द बेल्ट ऑफ कॉन्फीरियस फॉरेस्ट, बेटा थर्ड जो बेल्ट है वो शुरू होते हैं कॉन्फीरियस फॉरेस्ट ही, और ये 1600 मीटर से लेकर 3300 मीटर की ऊंचाई तक ये पौधे पाए जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हाइट पर होते हैं। और इसमें कौन कौन से ट्रीज जो हैं वो फेमस होते हैं, पाइन, स्प्रूस, सिल्वर फर एंड केदार आर द मेन स्पीशीज ऑफ ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट, यानी ये कॉन्फीरियस फॉरेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं। द कॉन्फीरियस बेल्ट इज सक्सीडेड बाय द अल्पाइन वेजिटेशन विच इंक्लूड स्मॉल ट्रीज, ग्रासेस एंड मॉसिस। अगर हम उससे भी ऊपर चले जाते हैं बेटा जहाँ पर बर्फ़ जमी होती है, तो उस एरिया में आपको पता है जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं, जो बर्फीले एरियाज होते हैं, वहाँ पर किस तरह के जो वेजिटेशन है वो पाए जाते हैं, वहाँ मॉसिस, लिचेंस पाए जाती हैं, ठीक है। तो उसी तरह से उसके ऊपर आती है बेटा अल्पाइन वेजिटेशन, और इसमें कौन से पौधे शामिल होते हैं, बहुत छोटे छोटी हाइट के ट्रीज होते हैं, ग्रास होते हैं और मॉसिस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द बार्क ऑफ द बर्च ट्री कॉमनली नोन एज भोजपत्र। बेटा जो बार्क यानी तना होता है, छाल होती है बर्च ट्री की, उसको हम भोजपत्र कहते हैं। और पहले टाइम में इसको एंशेंट इंडिया में यानी प्राचीन भारत में जब पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था, तब बर्च ट्री के जो खाल है उसके पत्तों को यानी भोजपत्रों को लिखने के लिए, राइटिंग स्किल्स के लिए यूज़ किया जाता था। क्लियर बेटा? अब आप एक बार प्लीज ये देखिए डायग्राम, ये मैप देखिए बेटा, इसमें आप देख सकते हो क्लियरली आपको शोन है, आपने पांच तरह की वेजिटेशन यहाँ पर हैं। सबसे पहले आती है आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये ग्रीन कलर के हैं, डार्क ग्रीन कलर के। आप देख सकते हो यहाँ ग्रीन शेड में डिफरेंस है बेटा, लाइट एंड डार्क। जो डार्क ग्रीन है वो वेस्टर्न घाट आपका एरिया सारा कवर करता है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कवर करता है, ठीक है। और उसके बाद बेटा आपका आता है ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर है इसके साथ साथ बिल्कुल, और ये लार्जर पार्ट कवर करते हैं, ठीक है। जैसा कि इसके साथ एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था कि इट कवर्स अ लार्ज एरिया ऑफ आर इंडिया। नेक्स्ट आता है बेटा ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट होता है पिंक एरिया, ये कहाँ पर, जहाँ पर स्केंटी रेनफॉल होती है यानी 40 से 50 सेंटीमीटर बारिश होती है, उस एरिया में थॉर्नी फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और आपको पता है हमारे इंडिया में बारिश सबसे कम कहाँ होती है, राजस्थान एरिया में और उसके आसपास एरिया में, और कुछ एरिया बेटा यहाँ डेक्कन प्लेट्यू का है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका टिडल फॉरेस्ट, यानी टिडल वेजिटेशन जो है वो किस एरिया में पाई जाती है, आप देख सकते हो बहुत कम वेजिटेशन है इंडिया में, डार्क येलो से कलर आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत कम वेजिटेशन होती है। नेक्स्ट बेटा आ जाता है आपका हिमालयन वेजिटेशन, यानी पहाड़ों पर जो माउंटेन एरिया में होती है वो वाली वेजिटेशन, ब्लू कलर की वेजिटेशन है, जैसे कि आपके यहाँ पर नज़र आ रही है हिमालयन वेजिटेशन। ओके, क्लियर? आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके बेटा, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।